गुड इवनिंग बच्चों। आज हमें सर्विस टैक्स स्टार्ट करना है। मैं शुरुआत करता हूं एक्साइज से, थोड़ा सा कोरिलेट कराऊंगा सर्विस टैक्स, आपको कुछ सेक्शंस याद हो जाएंगे। आइए जरा उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला, एक्साइज भी आपने पढ़ा था या पढ़ रखा है आपने, सेक्शन वन। सेक्शन वन यहाँ पे क्या होता है, शो टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शो टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अभी आपको कुछ नोट नहीं करना, बस आप बताते जाना या सुनते रहना। अभी आपको कुछ नोट नहीं करना, जो नोट करना मैं बताऊंगा। हाँ, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही लेऊंगा। मैं मान के चल रहा हूँ आपको सर्विस टैक्स नहीं आता, पीसीसी में आपने बिल्कुल जीरो निल है, बल्कि मैं हर टॉपिक के लिए यही मान के चलता हूँ, यही अजम्पशन मेरी यहाँ पे भी रहेगी कि आपको सर्विस टैक्स में कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल फ्रेश से पढ़ रहे हैं। सेक्शन वन, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन टू यहाँ पे क्या होती हैं बताएं, सेक्शन टू में क्या होती हैं, बोलते रहे साथ साथ में, ऐसा नहीं कि हाँ चलो सर बोल रहे हैं तो थोड़ी देर सोच लेते हैं, बाद में देखेंगे सर ने क्या लिखा था, उतार लेंगे उसको फटाफट से। सेक्शन टू में क्या होती हैं, डेफिनेशंस हुआ करती हैं। सेक्शन थ्री एक्साइज का कौन सा था, इस दौरान जलंधर में बच्चे आपस में बातें कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो वही एक्साइज वाला ही पॉइंट पूछना, कुछ नई बातें थोड़ा हो रही हैं। तो सेक्शन थ्री किसका था, चार्जिंग सेक्शन था। सेक्शन थ्री चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन फोर किसका था, इसमें वैल्यू के बारे में बता रखा था। बताएं एक्साइज कौन से एक्ट से लगती है ड्यूटी, सीईए 1944। अब इसी को मैच करते हैं सर्विस टैक्स से। सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स कहां से लग रहा है, सर्विस टैक्स एक्ट ईयर बताओ, सर्विस टैक्स एक्ट का ईयर बताओ फटाफट से। सर्विस टैक्स एक्ट का देखते हैं किसको ईयर याद है, जल्दी से बताओ। कुरुक्षेत्रा ने बताया है, अजमेर ने बताया है, आगरा को पता नहीं है, लाजपत नगर ने बता दिया। अच्छा और बताएं, और बताओ फटाफट से, देखते हैं ईयर किसको याद है, सर्विस एक्ट का ईयर कौन सा था। देखो कौन कौन से सेंटर फंसे नालायक, ईयर बता रहे हैं, फाइनेंस एक्ट का ईयर है वो, सर्विस टैक्स एक्ट का ईयर है। कुरुक्षेत्र लिख रहे हैं 1994, अजमेर भी लिख रहे हैं 1994, वो सर्विस एक्ट का ईयर था नालायक से। फाइनेंस एक्ट 1994, सर्विस एक्ट का ईयर वियर कुछ नहीं है। तो ये कौन सा है, फाइनेंस एक्ट 1994 है। बताएं फाइनेंस एक्ट 1994 के कौन से चैप्टर से लगता है, 1994 है कानपुर, 6 नहीं है। हाँ शाबाश भी करें, शाबाश, वेरी गुड। चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 5। इसका मतलब ये हुआ, जब 1994 में सर्विस एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, पहले चार चैप्टर में भी कुछ सेक्शंस होंगे, ये पांचवां चैप्टर है, इससे सर्विस एक्ट लगना स्टार्ट हो रहा है। यहां पे सेक्शन बताएं, सेक्शन वन की जगह यहां पे पता कौन सा है, सेक्शन 64 है। ये सर्विस एक्ट का, ये सर्विस एक्ट का ये सबसे पहला सेक्शन जो कि फाइनेंस एक्ट से लग रहा है। नहीं मुरादाबाद, आप सबसे अच्छे सेंटर हो। सेक्शन 64 इसमें भी क्या होगा, सेक्शन 64 में भी क्या होगा, शो टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शो टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसके बाद अगला सेक्शन बताएं, सेक्शन 65 में क्या होगा, बताइए सेक्शन 65 में क्या होगा। यहां पे सेक्शन 2 में डेफिनेशन थी, तो क्या यहां पे भी डेफिनेशन होंगी,
जी सेक्शन 65 में क्या होंगी, डेफिनेशन होंगी। एक्साइज का सेक्शन 3 चार्जिंग सेक्शन था, बताएं यहां फाइनेंस एक्ट का सर्विस टैक्स का अगला सेक्शन 66 में क्या होगा, क्या चार्जिंग सेक्शन होगा? एक्साइज में सेक्शन 4 में वैल्यू के लिए बता रखा था, तो बताएं सर्विस टैक्स में क्या सेक्शन 67 में वैल्यू के बारे में बता रखा होगा? जी सेक्शन 67 में वैल्यूएशन के लिए बता रखा है, ठीक है, सेक्शन 67 में वैल्यूएशन के लिए बता रखा है। 64, 65, 66, 67, बस और आगे मैच नहीं करने। ये वाले सेक्शंस आपने पढ़ रखे थे जब नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस टैक्स नहीं आया था। ये नेगेटिव लिस्ट क्या है, पहले पॉजिटिव लिस्ट थी, अब नेगेटिव लिस्ट है, ये दोनों हैं क्या, ये वर्ड्स हैं क्या? मैं यहां इस पेज पे वापस आऊंगा, इससे पहले मैं आपको नेगेटिव लिस्ट के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूं। नेगेटिव लिस्ट आने के बाद में क्या हुआ है देखना, यहां देखना, 2012 के बजट से पहले 119 सर्विसेज थी जिनके ऊपर सर्विस टैक्स लगता था, मतलब उन सर्विसेज के नाम गिना के बता रखे थे जिन जिन सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगेगा। 2012 के बजट के बाद उन्होंने उन सर्विसेज के नाम बता दिए जिन पे नहीं लगेगा। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, 2012 के बजट में उन्होंने उन सर्विसेज का नाम बता दिया जिन पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। 17 सर्विसेज के नाम बताए, इसका मतलब बाकी सब पे लगेगा, बाकी सब पे लगेगा। 17 सर्विसेज के नाम बताए, इनके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, बाकी सब के ऊपर में सर्विस टैक्स लगेगा। इसलिए नेगेटिव लिस्ट में क्या बताया जाता है, जिन पे नहीं लगेगा। पहले बता रखा था जिन पे लगेगा, अब बता दिया जिन पे नहीं लगेगा, जिन पे नहीं लगेगा बस उन्हें छोड़ के बाकी सब पे लगेगा। इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक स्ट्रक्चर समझो, सुनना। 2012 का जब बजट आया, जब 2012 में बजट आया, एक मेगा एग्जेम्पशन नाम दिया गया और नोटिफिकेशन नंबर रखा गया 25/2012। इसका नाम रखा गया मेगा एग्जेम्पशन। क्यों मेगा एग्जेम्पशन रखा गया, यहां पे 34 हेड लिखे थे जब 2012 का बजट आया था, आज कितने लिखे हैं, 39 लिखे हुए हैं। 119 सर्विसेज में जहां जहां हर सर्विस में कुछ ना कुछ एग्जेम्पशंस थी, मोस्टली सर्विसेज में हर सर्विस में कहीं ना कहीं कुछ एग्जेम्पशन दे रखी थी।